हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव अनंत। आज क्लास रे आमे ओडियार समस्त टॉपिक को डिस्कस करिबा परे आज आमे डिस्कस करिबा को जाउचे लेखा और लेखक टॉपिक को आपण को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु जहाँ जहाँ मध्य इंपोर्टेंट रहिबो सही बुक बा सही ऑथर विषय आज एमसीक्यू सीरीज रे आमे डिस्कस करिबा। चलंतु समय नष्ट न करी आरंभ करिबा। आई होप आपण समस्तंकर प्रिपरेशन बहुत भल भाबरे चलथिबो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा, उत्कल भ्रमणर स्रष्टा की? राधानाथ राय, गंगाधर मेहर, फकीर मोहन सेनापति ना मोहिनी मोहन सेनापति? आंसर होची ऑप्शन सी, फकीर मोहन सेनापति। उत्कल भ्रमण किए लिखिथिले? फकीर मोहन सेनापति। जेते बेले फकीर मोहन सेनापति उत्कल भ्रमण करुथिले तांकर अनुभूति को से एठारे वर्णना करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर टू, केऊ ग्रंथटी भूमि कैंद्रिक सृष्टि अर्थात भूमि को केन्द्र करी केऊ गल्पटी लिखा जाइछि? आमे समस्ते पढ़ीछे छ माण आठ गुंट टी भूमि कैंद्रिक सृष्टि। ऑप्शन ए हेबा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखिबा, केऊ उपन्यासरे मरहट्टा आक्रमणर चित्र रहिछि? एहार आंसर मामू ना लछमा, छ माण आठ गुंठ प्रायश्चित। एथिमध्यरे गोटे इनफर्मेसन मुं आपण मानंकु देउछि। क्वेश्चन आमको पचारिछि केऊ उपन्यासरे मरहट्टा आक्रमणर चित्र रहिछि? एहार राइट आंसर होउछि मरहट्टा आक्रमणर चित्र लछमा थिरे रहिछि। ठीक अछि, लछमा उपन्यासरे मरहट्टा माने किपरि ओडिसा उपरे आक्रमण करथिले बा किपरि अत्याचार करथिले मरहट्टा माने ता विषय रे लिखित रहिछि। तेबे प्रश्न उठुछि एही लछमा किए लेखिथिले? से होछन्ति फकीर मोहन सेनापति। केवल लछमा नुह, मामू, लछमा, छ माण आठ गुंट प्रायश्चित एही चारोटी जाक लेखिथिले फकीर मोहन सेनापति एवं एही चारोटी ही तांकर उपन्यास। ठीक अछि, बुझिपारे? तेबे एठी आमे क्वेश्चन करि परिबा जदि लछमा उपन्यास रे से मरहट्टा आक्रमण विषय लेखिथिले तेबे मामू उपन्यास रे से कोन लेखिथिले? मामू उपन्यास रे से अमला तंत्रर शोषण विषय रे लेखिथिले। आपण माने चाहिले नोट करि परिबे से माने से कोन करथिले अमला तंत्र र शोषण विषय रे लेखिथिले। छ माण आठ गुंठ आपण जानिछंती माने जमीदार मानंकर निर्दय भाव बा अत्याचार, जमीदारी मानंकर अत्याचार विषय रे से लेखिथिले। एवं प्रायश्चित उपन्यास रे से समाज संस्कार नामरे किपरि परंपरा को उल्लंघन करा जाउथला ता विषय रे से लिखिथिले। माने समाज संस्कार करिबा नामरे किपरि परंपरा को भांगी दिया जाउथला से विषय रे से लिखिथिले। बुझिपारले? सो आपण आई थिंक नोट करदेबे, नोट करदेइथिबे आमे कौन देखिले मामू उपन्यास रे से अमलातंत्र विषय रे लेखिथिले, अमलातंत्र माने किपरि शोषण करथिले, लछमारे से मरहट्टा बा मराठी मानंकर अत्याचार विषय रे लेखिथिले, छ माण आठ गुंठरे से जमीदारी रो जमीदार माने साधारण सरल लोक मानंक उपर किपरि अत्याचार करुछन्ते ताहा विषय रे लेखिथिले, एवं प्रायश्चित रे से समाज संस्कार नामरे किपरि परंपरा भांगा जाए ताहा विषय रे लेखिथिले। ठीक अछि, सो एठारे मरहट्टा आक्रमणर आंसर हेबो ऑप्शन बी, लछमा। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर फोर, बौद्धावतार काव्यर कवि किए? बौद्धावतार काव्यर कवि होउछंती फकीर मोहन सेनापति। एठारे केवल कवि किए पचारछि तेणु अदर मानंकु डिस्कस करिबा किछि आवश्यक नाही। बौद्धावतार किए लिखिथिले? फकीर मोहन सेनापति। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिबा, फकीर मोहन सेनापतिंकर अनेक गुड़िए लेखा अछि जहाँकि बहु प्रचलित एवं बहु उन्नत धरणर समाजर विभिन्न परिस्थिति उपरे बेस्ड तेणु तांकर एग्जाम रे क्वेश्चन पचारिबार चांसेस टिके अधिका थाए तांकर एवं सुरेंद्र महांतिंकर। ठीक अछि, क्षमा करिबे गोपीनाथ महांती, सुरेंद्र महांती नुह गोपीनाथ महांती एवं फकीर मोहन सेनापति एही दुई जणकर चांसेस टिके अधिक थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, फकीर मोहन तांको जीवन काल मध्यरे केतोटी उपन्यास रचना करथिले? किछि समय पूर्वरु ही आमे डिस्कस कले केतोटी करथिले, चारोटी करथिले। कोन कोन? गोटी होउछि छ माण आठ गुंठ, अन्यटी होउछि लछमा,
ତୃତୀୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମାମୁଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ଫକୀରମୋହନ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେ 20ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଦେଖିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟଟି ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଏ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଦେଖିବେ, କୌଣସି କବିତା ବହି ପଢ଼ିବେ ବା ଲେଖା ବହି ପଢ଼ିବେ, ସେହି ପୁସ୍ତକର ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସେ କବିତାଟି ବା ଲେଖାଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ନ ଦେଇ କବି ସମ୍ମେଳନରେ, ଲେଖକ ସମ୍ମେଳନରେ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କ ଛଦ୍ମ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟଟି ଛଦ୍ମ ନାମଟି କାହାର ଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଛଦ୍ମ ନାମ ଥିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟଟି। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ କବିତାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟଟି ନାମରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବି ପଢ଼ୁଥିଲେ ତାର ଲେଖକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ବୋଲି ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ତାର ଲେଖକ ଦୁର୍ଯ୍ୟଟି ବୋଲି ପଢ଼ୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଟି କେଉଁଟା? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ, ରେବତୀ। ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରେବତୀ ଯଦି ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରେବତୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ନେକ୍ସଟ, ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ, ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମହାନ ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଗଳ୍ପର ରହିଛି ସେଥିରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ହାସ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପରେ ସେ କିଛି ହାସ୍ୟରସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଆମକୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଳିତ ନୁହଁ, ହାସ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀ ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତେବେ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଆମକୁ କିଛି ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଧର୍ମୀତାକୁ ଦେଖିବା। ଓଭରଅଲି ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟୋରିଟା, ଗଳ୍ପଟା ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଥାଏ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏବଂ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସ୍ୟରସ ଦେଇ ସେ ପାଠକକୁ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିକିଏ ବି ମଜା ଲାଗିବନି, ସେମାନେ ପୁସ୍ତକକୁ ରଖିଦେବେ, ପଢ଼ିବେନି। ତେଣୁ ସେ ହାସ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ହାସ୍ୟରସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଉଛି କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅପ୍ସନ୍ ସି, ସଂସ୍କାର ଧର୍ମିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍ କ'ଣ କହୁଛି। ଓକେ, ନିଜର ଦେଖା ଅଦେଖା ଜଗତକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, କାହ୍ନୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି? ଯେତେବେଳେ ବି ଯଦି ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଲେଖକ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରକୃତିକୁ କିଏ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୋଟେ ନିଜର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ନିଜର ଆଖପାଖ ଜଗତକୁ, ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ, ଗଛପତ୍ରକୁ ସେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହୋଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଦେଖିବା, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର କିଏ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ସାହିତ୍ୟ, ନା ଜୀବନ, ନା ପ୍ରକୃତି, ନା ମଣିଷ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ ବୁଝିସାରିଥିବେ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେବ ଅପ୍ସନ୍ ସି, ପ୍ରକୃତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଲ୍ଭ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ତ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ସେ କେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲେ? ସେ ପାଇଥିଲେ ମାଟି ମଟାଳ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
क्वेश्चन नंबर 13। गोपीनाथ महांति कहार यथार्थ उत्तर दायाद थिले एहार देखंतु से फकीर मोहन सेनापति उत्तरदायित्व थिले यथार्थरे कारण फकीर मोहन सेनापति जेपरी समाज रे चलिथिबा व्यभिचार कौन कहिबी समाज रे चलिथिबा अन्याय अत्याचार को जेपरी तांका लेखारे प्रतिफलित करउथिले ठीक सेहीपरी गोपीनाथ महांती मध्य निज लेखारे समाज रे चलिथिबा प्रकृत घटना को रूप देउथिले तेणु फकीर मोहन सेनापति गोपीनाथ महांती को निचर उत्तरदायित्व घोषणा करथिले। देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 कौन अछि। भीमा भुइया उपन्यासर स्रष्टा किए। अच्छा देखंतु भीमा भुइया उपन्यासर स्रष्टा हेउछन्ति गोपाल चंद्र वल्लभ दास किंतु यांको विषय रे आपणंकर सिलेबस रे नाही सो एही क्वेश्चन को आपण स्किप करि परिबे ठीक अछि। जेहेतु क्वेश्चन दे दछि मु करि देली बट भीमा भुइया आपणंकर आवश्यक नुह उपन्यासटी बा गोपाल वल्लभ दास जे लेखिथिले से उपन्यासर स्रष्टा आवश्यक नुह आपणंकर सिलेबस रे नाही। अरे बाबरे आउ गोटे आउट ऑफ सिलेबस रो क्वेश्चन देखंतु केन्दुझर विद्रोह उपन्यास रा स्रष्टा के एहार स्रष्टा हेउछंती उमेश चंद्र सरकार ऑप्शन डी ठीक अछि। एहा मध्य आपणकर सिलेबस रे नाही उमेश चंद्र सरकार आपणकर सिलेबस रे नाही तेणु याकु मध्य आपण 14 नंबर एवं 15 नंबर क्वेश्चन को स्किप करि परिबे जदि मन रखिबा को चाहू जदि ताहाले भल कथा केन्दुझर विद्रोह रो उपन्यास रा स्रष्टा हेउछंती उमेश चंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 16 देखिबा अमृतर संतान केउ धर्मी सृष्टि आदिवासी जीवन धर्मी सहरी सभ्यता धर्मी विज्ञान धर्मी ना पुराण धर्मी मन रखंतु एहा हेउछि आदिवासी जीवन धर्मी लेखिथिले किए कहंतु किए लेखिथिले गोपीनाथ महांती लेखिथिले। गोपीनाथ महांती निज जीवन रो एक दीर्घ काल आदिवासी लोक मानक सहित रही से निज चाकरी जीवन रोटे दीर्घ काल आदिवासी लोक मानक सहित रही एवं आदिवासी लोक मैंने निजर छोट बड़ आवश्यकता सका राति पर्यंत किपर संघर्ष करुँचारे वर्णना करते अमृतर संतान। नेक्स्ट देखा क्वेश्चन नंबर 17 लय विलय केउं धर्मी उपन्यास लय विलय आदिवासी धर्मी ना मनस्तात्विक पौराणिक ऐतिहासिक प्रथमे आमे जानिबा को चेष्टा करिबा लय विलय किए लेखिथिले। लय विलय लेखिथिले गोपीनाथ महांती ठीक अछि। गोपीनाथ महांतींकर एही उपन्यासटी मनस्तात्विक धर्मी मनस्तात्विक आधार उपर एहाकु रचना करा जाय छि। देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 ओके अरे बाबरे देखंतु गोटे मिक्स क्वेश्चन आस जाइछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी सम्मान वाचक सर्वनामर उदाहरण आपण मानक पई सर्वनामर क्वेश्चन्स रेडी करूथिली आई थिंक से आब्सेंट माइंड रे एठी लिखि दैछि। निम्नलिखित मधुरु केउंठी सम्मान वाचक सर्वनामर उदाहरण आपण निजे केही आपे किए हम भावुन देखु आपण जहाँ को आम सम्मान दौ ही आपण बोली कहूँ तेणु यार आंसर हम ऑप्शन ए चलतु लेखा और लेखक नहला ना सर्वनामर गोटे क्वेश्चन हो गला नो प्रॉब्लम। देखिबा क्वेश्चन नंबर 19 को बिलंका रामायण कहा द्वारा रचित सारला दास जगन्नाथ दास बलराम दास ना वाल्मीकि यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन ए सारला दास। बिलंका रामायण को सारला दास लिखिथिले ठीक अछि। क्वेश्चन देखिबा 20 अर्थ कोइली कहा द्वारा लिखित सारला दास वाल्मीकि नेक्स्ट 1 मिनिट ओके वाल्मीकि ना जगन्नाथ दास ना फकीर मोहन सेनापति तो यार राइट आंसर होउछि ऑप्शन बी जगन्नाथ दास। तो मन पड़ा कौन आम पढ़िले जे अर्थ कोइली
को किए लिखी जगन्नाथ दास लिखी थे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीबा, क्वेश्चन नंबर 21 लक्ष्मणिया कहा द्वारा लिखित गल्प आम आगु ही पढ़ी सारे लक्ष्मणिया कहा द्वारा आम ऑप्शंस से पढ़ी देचे तेणु आम को आंसर दबरे असुविधा होबना ही। तो लक्ष्मणिया कहा द्वारा रचित गोपीनाथ महंती द्वारा रचित कि नुह गोपाचंद्र प्रहराज नुह फकीर मोहन सेनापति हेउछि राइट आंसर। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 22 सुभद्रा परिणय किए लिखी थे, सुभद्रा परिणय किए लिखी थे, भीम भोई लिखि नथिले, गोपाचंद्र प्रहराज भी नुह, गोपीनाथ महांती मध्य नुह, तेणु 22 नंबर आंसर कौन हे ऑप्शन डी उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज होपरी जड़े लेखक साहित्यिक जी कि कविता को गोटे नूतन रस प्रदान करते गोटे नूतन रूप प्रदान करते पूर्वर जितेबले कविता लिखुले से कही गोट कवितार कि पाद बा कि पद कही क्या छिड़ू ना ना शुणा को सुंदर लग अर्थ थिला सौंदर्य नथिला अर्थ थिला मेसेज थिला ठीक अच्छे समाज पर कि मेसेजेस किंतु से सौंदर्य नथिला तेणु कविता को प्रकृत सौंदर्य किए प्रदान कले उपेन्द्र भंज। उपेन्द्र भंज पूर्वर जी जी रचना करुले साहित्य आमर गल्प हेउ बा कविता हेउ उपन्यास हेउ सेमाने केवल समाज को कौनसी मेसेज दबा पई लेखुथिले किंतु उपेन्द्र भंज भिन्न भिन्न टॉपिक उपर लेखिले से ठाकुर जानी क्षमा कर आज डिस्टर्बेन्स आई थिंक यहाँ किसी प्रॉब्लम होमती या धरिकी ही आम चल कौन प्रॉब्लम आसले आम रही आम आम प्रिपरेशन को कंटिन्यू करवा। अच्छा मुझे उपेन्द्र भंज भगवान विष्णुंर भिन्न भिन्न रूप उपर से रचना करते जपरिक से रामचंद्र उपरिखी से आउ का लिखी श्रीकृष्ण लिखी छड़ा से भिन्न भिन्न भाव उपर लिखी से प्रेम उपरे लिखी सौंदर्य लिखी फूल उपर लिखी एहीपरी भाव में उपेन्द्र भंज ओडिया साहित्यर कविता को गोटे नूतन स्तर को नहींगले गोटे बहुत ऊपर स्तर को से नहींगले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, अच्छा चलंतु मु 22 नंबर क्वेश्चन रे उपेन्द्र भंजंकर किछि भल भल रचना विषय आपन को कहि दउ छे जेपरि कि उपेन्द्र भंज लेखि थिले आपन नोट कर दे पारंती जदि आपन को कोनोसी जागारु मिलुनी कोनोसी सोर्सेस रु आपन नोट कर दे पारंती तांकर जहा जहा इम्पोर्टेंट अछि जेपरि कि वैदेहीस विलास ठीक अच्छे कला कौतुक से श्रीकृष्ण चरित उपर लिखी थे वैदेहीस विलास से राम चरित उपर लिखी थे। देखु मुपरि भाव में कहीदे आप लिखिदेवे रामचरित ठीक अच्छे रामचरित्र चरित उपर से कौन कौन लिखी थे मुझे आपण मैंने चाहिए नोट करें लिस्ट करें से लिखी थे वैदेहीस विलास रामों ऊपर लिखी थे अबनारस तरंग रामों ऊपर लिखी थे श्रीराम लीलामृत रामों ऊपर लिखी थे सतीश विलास ठीक अच्छे। नेक्स्ट से लिखी थे श्रीकृष्ण चरित उपरे एवं कृष्ण चरित उपरे से लिखी थे कला कौतुक ठीक अच्छे छंद भूषण यापर आहरी अच्छी जपरिक सुभद्रा परिणय एवं आम पढ़ले ओके यापर से आहरी लिखी थे कुंज विहार नेक्स्ट से आहरी लिखी थे ब्रजलीला से लिखी थे श्रीकृष्ण विहार
श्रीकृष्ण बिहार। एहा छड़ा से अनेक अलगा सौंदर्य प्रदान करिवा मध्य कविता लिखिथिले जेपरी कि प्रेम सुधानिधि। प्रेम सुधा निधि, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी, एहा परे से लिखिथिले रसिक हाराबोली, ठीक अच्छे से लिखिथिले एहिपरी अनेक लिखिथिले रस लेखा, सुवर्ण लेखा। तांकर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिला लावण्यवती, मन रखिबे लावण्यवती तांकर एक उन्नत धरणर सृष्टि, त्रैलोक्य मोहिनी, चित्रकाव्य बंधुद्वय, एहिपरी अनेक से लेखा लिखिथिले। तेबे चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। उपेन्द्र भंजंकर उपरे जेते मध्य मु आपनको कहली ता ऊपर ध्यान देबे, ता ऊपर लिखिबे, बहुत सुंदर सुंदर से रचना करथले, तेणु तांकर लेखा मध्य बहुत इम्पोर्टेंट हो जाउछि। नन्नांक पांजी रा रचयिता किए? फकीर मोहन सेनापति, गोपाल चंद्र प्रहराज, गोपीनाथ महांति ना उपेन्द्र भंज? एठारे देखंतु गोटे पॉइंट मु आपनको एठी कहि दउछि, एही नन्नांक पांजीर रचयिता किए रे आपणको अलग अलग जगार अलग अलग ना मिलिबो, जेपरिक केउ जगार आपणको फकीर मोहन सेनापति मिलिबो, तो केउ जगार आपणको गोपाल चंद्र प्रहराज मिलिबो। किंतु प्रकृत रे राइट आंसर हेउछि फकीर मोहन सेनापति, गोपाल चंद्र प्रहराज को देबे नाही। गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिछंती बाई महांतिंक पांजी, कहा पांजी? बाई महांतिंक पांजी। ठीक अच्छे, बाई महांतिंक पांजी एवं से लिखिछंती नन्नांक बस्तानी। गोपाल चंद्र प्रहराज लिखले बाई महांतिंक पांजी एवं नन्नांक बस्तानी, किंतु पांजी नुह, किंतु नन्नांक पांजी लिखिछंती फकीर मोहन सेनापति। ए दुईटा रे कन्फ्यूज है, विभिन्न गाइड विभिन्न कोठो आपण इनफॉरमेशन सोर्सेस बाहर करिवे नेट रो, से आपणको गोपाल चंद्र प्रहराज दे दउची, आपण माने एग्जाम रे लिखुछंती एवं सेथिरे मार्क कटि जाउची। परे कहिबे इंटरनेट रे देखिलु बा कोनोसी गाइड रे देखिलु, गवर्नमेंट काही कि मानिबो को गाइड रा आंसर को? से तो मानिबो गवर्नमेंट बुक रा आंसर को ना, एवं गवर्नमेंट बुक रे हमरा प्रोवाइड करा जैछि नन्नांक पांजी क्यों के लिखिछंती फकीर मोहन सेनापति। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, क्वेश्चन नंबर 24। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश कहा द्वारा लिखित? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश लिखित होइथिला गोपाल चंद्र प्रहराजंक द्वारा, ठीक अच्छे, एवं ता सात खंडरे प्रकाशित पाइथिला, गोटिए थररे नुह, सातटी खंडरे से प्रकाश पाइथिला, ठीक अच्छे। पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोश गोपाल चंद्र प्रहराज लिखिथिले, एवं जदि एठी गोपाल चंद्र प्रहराज आसिछंती तो चालंतु तांकर किछि लेखा विषय डिस्कस कर दबा। से लिखिथिले जेपरी कि भागवत टुंगीरे संध्या, बाई महांतिंक पांजी, दुनियार हालचाल, ठीक अच्छे, मुझे शॉर्टकट लिखि दूची आपण मैंने चाहिए नोट करें। नेक्स्ट से लिखिथिले नन्नांक बस्तानी, लिखिथिले आम घर हालचाल, बाई नन्नांक बाई नानीक बुजुली, नन्ना नुह बाई नानीक बुजुली, बाई नानीक बुजुली, ओके। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन 25 नंबर आंसर, हरिजन ग्रंथ कहा द्वारा लिखित? 25 नंबर क्वेश्चन, हरिजन ग्रंथ कहा द्वारा लिखित? उपेन्द्र भंज ना गोपाल चंद्र प्रहराज ना गोपीनाथ महांति ना कौन सीटी मध्य नुहे? तो यार राइट आंसर कौन है बो? यार राइट आंसर है बो ऑप्शन सी, गोपीनाथ महांति।
ओके तेबे कौन गोपीनाथ महांतिंकर अन्य किछि डिस्कस करिबा कि चलंतु करि दबा। गोपीनाथ महांतिंकर किछि अन्य लेखा गुड़िक हेउछि जेपरि कि परजा, ठीक अछि, अमृतर संतान, नेक्स्ट दाना पाणी, बहुत इम्पोर्टेंट देखंतु दाना पाणी तांकर गोटे बहुत इम्पोर्टेंट सृष्टि। लय विलय तो आम पढ़िले, माटी मटाल पढ़िले, एहा छड़ा से लिखी कला शक्ति, उत्कलमणि जीवन विषय लिखी दुई पत्र, दादी बुढ़ा, सपन माटी, यू कि से लिखी एवं दुईटे जिनस मन रखिए माटी मटाल। माटी मटाल यहटा हूँ गोटे ग्रंथ, गद्य ग्रंथ, यहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। कौन मिले? ज्ञानपीठ पुरस्कार। एवं अमृतर संतान मिलता केंद्रीय साहित्य एकेडमी, केंद्रीय साहित्य एकेडमी पुरस्कार। दुईटी पुरस्कार विषय आम पढ़ले कौन कौन देखूँ, माटी मटाल मिलता ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या विषय, गोपीनाथ महांती विषय पढ़ुचे, एवं अमृतर संतान मिल गोटे क्षमा करेंगे अमृतर संतान मिलता केंद्रीय साहित्य एकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 26, कारण 25 आंसर आम कौन कहले गोपीनाथ महांती लिखी हरिजन ग्रंथ। 26 नंबर क्वेश्चन देखिबा, निम्नलिखित मधुरु केउठी भीम भोईंक कलमरु रचित नुहे, स्मृति चिंतामणि, ब्रह्म निरूपण गीता, सतीश विलास एवं निर्वेद साधन। एठि आमे देखिले जे सतीश विलास उपेन्द्र भंजंक द्वारा लिखित, तेणु स्मृति चिंतामणि, ब्रह्म निरूपण गीता, निर्वेद साधन, एही तीनोटी जाक आमर कहा द्वारा रचित, भीम भोईंक द्वारा लिखित, ठीक अच्छे। भीम भोईंक द्वारा स्मृति चिंतामणि लिखित, ब्रह्म निरूपण गीता मध्य से लिखिंट, निर्वेद साधन मध्य से लिखिंट, किंतु सतीश विलास से लिखि ना, सतीश विलास किए लिखिंट आमर, से लिखिंट उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 27 नंबर क्वेश्चन, ओके 27 नंबर क्वेश्चन कौन कहुची, माटिया बुरुज, माटिया बुरुज ग्रंथ किए लिखिथिले, फकीरमोहन सेनापति, गोपीनाथ महांती, गोपाळचंद्र प्रहराज ना सारला दास। यार राइट आंसर होउछि गोपीनाथ महांती, से लिखिथिले माटिया बुरुज। किछि समय पूर्व मु आपनको कहिली माटिया बुरुज किए लिखिथिले, गोपीनाथ महांती लिखिथिले। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन देखिबा, सत्य आंब कथा किए रचना करथिले, फकीरमोहन सेनापति, गोपाळचंद्र प्रहराज, गोपीनाथ महांती ना सारला दास। मन रखिबे एहा लिखिथिले सारला दास, ठीक अछि। सारला दास जत्ते बेले भी आपण देखिबे बहुत पौराणिक पौराणिक स्टोरी उपरे सारला दास लिखुथिले। नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 29, निम्न मध्यरु केउटी फकीरमोहन सेनापतिंक द्वारा रचित कविता, उपहार, पुष्पमाला, धूली, समस्त। माने ए चारोटी तीनोटी मधुरु, समस्त तो चारोटी हबनी, तीनोटी उपहार, पुष्प, उपहार, गोटे मिनिट, उपहार, पुष्पमाला, धूली, ए तीनोटी भितरु केउटी गोटिए कविता एवं ताहा फकीरमोहन सेनापतिंक द्वारा रचित, तो यार आंसर हेउछि उपहार मध्य एक कविता जहाँ कि फकीरमोहन सेनापतिंक द्वारा रचित, पुष्पमाला, धूली, तीनोटी जाक, क्लियर, उपहार, पुष्पमाला, धूली, तीनोटी जाक कविता एवं तीनोटी जाक फकीरमोहन सेनापतिंक द्वारा रचित, तेणु आंसर है ऑप्शन डी समस्त। क्वेश्चन नंबर 30 देखिबा, जगन्नाथ दासंकु अति बढ़ीर मान्यता, अति बढ़ी कहीदेली क्षमा करेंगे, जगन्नाथ दासंकु अति बढ़ीर मान्यता किए प्रदान करथिले, मधुसूदन दास, सारला दास, श्री चैतन्य ना गौतम बुद्ध। यार राइट आंसर है श्री चैतन्य। जितेबले श्री चैतन्य ओडिशा आसीथिले सेतेबले से पंचसखा मानंकर जो अवदान थिला साहित्य जगत को सेथिरे से खुशी होइथिले एवं सेमानंकु ओडिशार आत्मा बोली भाबि नैथिले पंचसखा को, तेणु से जगन्नाथ दासंकु, जगन्नाथ दासंकर लेखा पई तांकु अति बड़ीर मान्यता प्रदान करथिले, किए प्रदान करथिले, श्री चैतन्य, क्लियर।
सो 30 क्वेश्चन्स आमर कम्प्लीट होइगला। आपण माने मुँ आपणको कहिथिली एहा हेबो लास्ट क्लास ओडिया एमसीक्यू रो एहा थिला लास्ट क्लास। आई होप आपणको समस्त क्लास भल लागिथिबो एवं आपण माने एथिरो किछि किछि सिखिथिबे किछि किछि बुझिथिबे किछि त आपण नुवा सिखिथिबे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपणकर कमेंट्स बहुत भल लागे जणेबे आपणको कोन दरकार मिक्स्ड क्वेश्चंस दरकार ना आमे ओडिया को कंप्लीट एठी शेष कर देबा। ठीक अछि कमेंट सेक्शन रे निश्चय जणेबे जे आमे ई सीरीज को आउ करबा माने मिक्स्ड क्वेश्चंस ऊपर आउ कोनसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऊपर आनिबानी सबु किछि आमे कर देले आउ काही पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर आनिबा जदि आनिबा मिक्स्ड क्वेश्चन आनिबा आपण निश्चय जणंतु कमेंट सेक्शन रे मिक्स्ड क्वेश्चन आनिबा ना आमे ओडिया प्रैक्टिस को एठी स्टॉप कर देबा। ठीक अछि सो थैंक यू सो मच। आपण समस्तंकर एग्जाम बहुत भल हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।